कृषि विज्ञान केंद्र कटिया जुलाई के प्रथम पखवाड़े में हुई अतिवृष्टि से जलमग्न हो गया, जिससे कृषि विज्ञान केंद्र पर होने वाली बीज उत्पादन, पौध उत्पादन, परीक्षण, ट्रायल, प्रदर्शन गतिविधियां प्रभावित हुई। अभी भी कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के विभिन्न खेतों में 3 से 5 फीट पानी भरा। कृषि विज्ञान केंद्र पर धान के विभिन्न प्रजातियों की कैफेटेरिया, मत्स्य पालन, बागवानी, नवसृजित पौधशाला पूर्ण या आंशिक रूप से नष्ट हो गए। कुक्कुट इकाई, खरगोश पालन इकाई, बकरी पालन इकाई भी प्रभावित हुई। मदर आर्चर्ड में सेब, पपीता, आम, अमरूद, केला के उन्नत प्रजाति के पौधे अत्यधिक प्रभावित हो गए। अमरूद, नींबू के उच्च कोटि के पौधे भी अतिवृष्टि से प्रभावित हुए, जिन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रक्षेत्र से जल निकासी का नाला कल्याणपुर गांव से होते हुए कैम हराखुर्द में स्थित शारदा सहायक नहर के नीचे साइफन से मिलता। विगत कई वर्षों से नाले की सफाई नहीं हुई और साइफन भी पूर्ण रूप से अवरुद्ध है, जिससे कृषि विज्ञान केंद्र के प्रक्षेत्र से जल निकासी नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से भारी नुकसान हुआ है। सीतापुर से दैनिक भास्कर के लिए हरिओम अवस्थी की रिपोर्ट। सीतापुर का कृषि विज्ञान केंद्र कटिया आज बाढ़ की चपेट में पूरी तरह से ग्रस्त है। जहाँ किसान अपने जाने के बाद में अपनी फसलों की बारीकियां सीखते हैं, आज वह पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। वहां की खेती बाड़ी पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। वहां अनेकों ऐसी योजनाएं जिन पर वहां के वैज्ञानिकों ने बहुत कार्य किए थे, वो भी पानी में डूबकर नष्ट हो गई हैं। इसी सिलसिले में आज वहाँ के वैज्ञानिक डॉक्टर दया श्रीवास्तव जी DM और CDO से मिले हैं और उन्होंने अपनी बात रखी है। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि क्या वहाँ नुकसान हुआ है और DM और CDO के मिलने के बाद उन्होंने क्या अपनी बात उनके सामने रखी है। सर, आज आप DM और CDO से मिलने आए हैं, आपके कृषि विज्ञान केंद्र में पूरा पानी भरा हुआ है, चौपट, क्या है पूरी बात बताएं। जी बिल्कुल, क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र सदैव किसानों के लिए समर्पित हैं। हम लोग दिन रात प्रयास कर रहे हैं कि जनपद में किसानों की बेहतरी के लिए क्या अच्छे प्रयास किए जाएँ। जो विभिन्न हमारे क्षेत्र में तकनीकियाँ हैं प्रदर्शित की जाती हैं, जिससे किसानों को हम रोजगार विषय पर प्रेरित करते हैं और उनको विभिन्न उद्यमों के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। किंतु विगत कई वर्षों में ऐसा नहीं हुआ था कि इस बार जो है स्थिति क्यों 3 से 7 जुलाई के बीच में बारिश हुई, कई गाँव का पानी जो है अगर कि हमारे अभी तक आज 1 महीना हो गया और 3 से 5 फीट पानी भरा हुआ, जिससे कि हमारी पूरी जो डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट थी, जो हमारी प्रदर्शन जो लोगों ने कई वर्षों में प्रयास किए थे, वो हमारी सब ग्रस्त हुई और पानी के निकलने का साधन नहीं है। तो इसमें आज हम जिलाधिकारी महोदय को, आज हमने और सुबह मैडम को भी अवगत कराया, अगर इसमें हमारा रिसार्ज साफ सिस्टम लग जाए तो जिसमें अलग अलग केंद्रों से, तो हमारा पानी जो अगर कहीं से आ भी आ रहा है तो वो एटलीस्ट 3-4 दिनों में वो चला जाए, जिससे कि हम बाकी की चीज़ें हमारे बचा सकें। क्योंकि अभी हमारे पास बाउंड्री भी नहीं है, हमारा अन्य परियोजनाओं के माध्यम से हमने इसके लिए भी आवेदन किया, पर 2021 में परियोजनाएं अप्रूव्ड हुई थी, अभी तक उनको बाउंड्री नहीं मिल पाई है, तो हमारे लिए चुनौतियां भी हैं। तो आज जो है जब तकनीकी को हम बचा नहीं पाएंगे तो निश्चित तौर पर किसानों के लिए हम आगे के लिए बेहतरी के कार्य कर पाना, ये हमारे लिए चुनौती है। तो हम आशा करते हैं, डीएम साहब ने भी बहुत आश्वासन दिया है आज पूरा, इन्होंने आज हमको कहा है कि बहुत इस दिशा में सहयोग करेंगे और निश्चित तौर पर जल्दी इसमें रिजल्ट मिलेगा। तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा डीएम साहब का और CDO मैडम का, इन्होंने इस बात को समझा है और इसके लिए हमें आश्वस्त किया है। जल्दी ही अगर ये व्यवस्था होती है तो हम किसानों के लिए फिर से एक बार उठ करके खड़े होकर के और एक वृहद स्तर पे जनपद के लिए, जनपद का कैसे भला हो, किसानों कैसे भला हो, हम राष्ट्रीय स्तर पे अपने जनपद को कैसे दिखा पाएं, ऐसा प्रयास मिलकर के अपनी पूरी टीम के साथ। डॉक्टर श्रीवास्तव जी का कहना है कि वह DM से मिले हैं और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि वो इनके पास जो भरे हुआ पानी है उसके लिए जो भी इन्होंने मांग की है उसकी जल्द ही पूर्ति की जाएगी। दैनिक भास्कर सीतापुर से हरिओम अवस्थी की ये रिपोर्ट।